इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। इंडिया और श्रीलंका की जून जुलाई में होने वाली सीरीज, क्रिकेट सीरीज, अब कुछ वक्त के लिए टल गई है। 3 T20 और 3 हमें वनडे मैच खेलने थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब ये हो नहीं पाएगा। हालांकि ये जानकारी मैं आपको दूं कि ये मैच फिलहाल के लिए रद्द किया गया है, लेकिन आगे दोनों टीमें अपना अपना स्केड्यूल चेक करेंगे और उसके बाद इन फ्यूचर जब भी पॉसिबिलिटी बनेगी दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, फिलहाल कोरोना की वजह से हर जगह आर्थिक संकट का सामना हर कोई कर रहा है और कुछ ऐसा ही तमाम देशों के जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनके सामने भी हालात बने हुए हैं। इंडिया क्रिकेट की, इंडिया और श्रीलंका की अगर ये सीरीज़ होती तो फिर दोनों ही देशों को फ़ायदा होता, खास करके श्रीलंका, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस सीरीज़ के लिए, वो ज़रूर इसे देखने के लिए आते, स्पॉन्सर उन्हें मिलते और यही वजह रहती कि थोड़ा फ़ायदा क्रिकेट बोर्ड्स को होता। लेकिन अभी फ़िलहाल कंडीशन ऐसी है नहीं, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं। और मैच शुरू करने के पहले भी कुछ वक्त चाहिए होता है तैयारी के लिए, ऑलरेडी वो वक्त भी ख़त्म हो चुका है। तो फिलहाल के लिए यही खबर है कि ये सीरीज़ अभी कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, रद्द की गई है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर अभी इसके होने की संभावना बाकी है। हमें 3 टेस्ट मैच खेलने थे, हमें 3 वनडे मैच खेलने थे और 3 T20 खेलना था। इसके पहले श्रीलंका और इंडिया के बीच में मैच जनवरी में हुआ था, जब श्रीलंकन्स यहाँ पर आए थे और सीरीज़ हमने खेली थी। लेकिन अब कुछ वक्त के लिए आपको और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा और देखिए, ये इंतज़ार अभी तो थोड़ा लंबा होने वाला है ही, क्योंकि कोरोना की स्थिति जब तक सामान्य होगी तब तक देश में चीज़ें सामान्य हो सकती हैं। देखिए, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने में अभी थोड़ा सा ज़्यादा वक्त है, तो पहला तो ये, उसके बाद जब भी सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और खिलाड़ी मैदान पर उतरना शुरू होंगे तो उस वक्त भी फिटनेस के लिए और उसके पहले का जो अभ्यास सत्र रहता है उसके लिए तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का वक्त और ज़्यादा लगेगा। तो अभी कुछ वक्त तक तो आप अगर क्रिकेट मैच देखने की ख्वाहिश आप पाल करके बैठे हैं तो उसे भूल जाइए, क्योंकि कुछ महीनों तक अभी इसकी संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अपडेट इस बारे में जो भी होगा, मैच कब शुरू होने वाले हैं, क्या क्या हलचल इसके बीच में रहने वाली, आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। कुछ कहना है कॉमेंट सेक्शन में कहिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।